गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम आए हुए हैं यहाँ पे दुबई में मैराथन करने के लिए, मैं और हमारे सीनियर जगत सर। और अभी टाइम हुआ है 6:18, मैराथन शुरू होगी 7 बजे। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट आप देख सकते हैं। लगेज काउंटर, जो बैगेज काउंटर है, वो किस तरह से इन्होंने मैनेज किया हुआ है। रोड बिल्कुल खाली हैं। यह है दोस्तों इनका बैगेज काउंटर। ये 10 किलोमीटर और 42 किलोमीटर का बैगेज काउंटर बिल्कुल अलग अलग किया हुआ है। और सभी के ऊपर आप देख सकते हैं इनका बिब नंबर लिखा हुआ है। तो अपने बिब के हिसाब से आपको अपना बैगेज रखना है और आपको वहीं से अपने बिब नंबर के हिसाब से आपको रिसीव करना है अपना बैगेज। रोड बिल्कुल खाली है और यहाँ पे रास्ते में कॉफ़ी, टी और जो आपको खाना पीना है उसके भी यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। तो वेल ऑर्गेनाइज मैराथन है सर, आप कहेंगे इसके बारे में कुछ? ओह माय गॉड, द सेकंड टाइम आई एम कमिंग डेलिबरेटली बिकॉज लास्ट ईयर आई वाज सो सरप्राइज एंड शॉक्ड एंड वेरी कंफर्टेबल, यू नो, एंजॉयिंग द फुल मैराथन। इट वाज माय फर्स्ट मैराथन लास्ट टाइम, सो आई हैव डिसाइडेड, यू नो, इरिस्पेक्टिव ऑफ माय एज एंड यू नो प्रॉब्लम्स, I have decided to come here again for the second time, and I am here with the commando Praveen Kumar Tivetia. I am really enjoying his company. Thank you very much. तो दोस्तों हमारे यहाँ पे बहुत सारी मैराथन्स होती हैं। मैं उन मैराथन ऑर्गेनाइजर को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप बाहर निकलें और देखें यहाँ पे कि मैराथन ऑर्गेनाइज कैसे होती है। तो आप देख सकते हो जिस तरह से इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है एथलीट के बैठने के लिए, और वहाँ पे हमारे इंडिया में इस तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं की जाती है कि कोई एथलीट रनर इस तरह से अपने आप बैठ सके। जगह नहीं मिलती है उसको बैठने के लिए। टॉयलेट और वॉशरूम की जो सुविधा है वो भी यहाँ पे एक क्लास है उसकी, एक छोटा सा डब्बा नहीं रखा हुआ है। ये बैगेज काउंटर है, आप देखिए लोग यहाँ पे बैगेज का अपना नंबर के हिसाब से अपना बैगेज रख रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो इंडिया में टॉयलेट्स वगैरह जो मैराथन ऑर्गेनाइजर रखते हैं वहाँ पे हैंड वॉश की सुविधा बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यहाँ पे इन्होंने हैंड वॉश भी दिया हुआ है, बहुत ही एक क्लास है यहाँ पे अगर आप टॉयलेट के अंदर भी जाते हैं तो। क्योंकि हमको जितने रनर्स हैं वो पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो बार बार आपको यूरिनेट करने के लिए जाना होता है। तो इंडियन टॉयलेट जो हैं उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही हाइजेनिक नहीं है। यहाँ पे हाइजीन को बहुत ही प्रायोरिटी में रखा गया है। दोस्तों एक और बात मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये मैराथन 42.195 किलोमीटर तो है ही, इसके साथ में ये ऑर्गेनाइज करते हैं 10 किलोमीटर भी और 4 किलोमीटर भी। तो जो लोग दुबई घूमने आना चाहते हैं और मैराथन या 10 किलोमीटर या 4 किलोमीटर में पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। आपका दुबई घूमना भी हो जाएगा और आपकी एक छोटी सी रन भी हो जाएगी। तो ये इसका जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन काफ़ी पहले से ओपन हो जाता है और इस समय पे यहाँ पे ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी हो रहे थे। और आप पहले भी रजिस्ट्रेशन करके आ सकते हैं, आप अपना प्लान बना सकते हैं दुबई घूमने का। तो जितने भी हमारे इंडियंस भाई लोग हैं वो एंजॉय कर सकते हैं रनिंग और दुबई का विजिटिंग। And the period is also fixed every year, 3rd week of January, Friday, 7 o'clock in the morning for full marathon and 8:15 for the 10 kilometers. Thank you very much. ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरे पीछे। अभी करीब करीब 15,000 के आसपास का यहाँ पे क्राउड हो जाएगा और अभी 42 हुए हैं। करीब 18 मिनट के बाद यहाँ से मैराथन गो हो जाएगी, फ्लैग ऑफ हो जाएगा और हम दौड़ते हुए नज़र आएंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा क्राउड कम है और क्राउड और आ जाएगा। वेल डिसिप्लिन क्राउड है और Thank you.
check out a very warm welcome to all our athletes this morning. Taking part in the Standard Chartered Dubai Marathon for 2020. We're around about 10 minutes away from getting you underway on the roads of Dubai. Please once again do listen to your race officials, security guards, and of course the people. ये है प्रसून जी और हम लोग इस दुबई मैराथन में हम लोग साथ में पेस करने का, साथ में रनिंग करने का भी हमने एक दूसरे से वादा किया है. कोशिश करेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट से और फिनिशिंग पॉइंट तक हम दोनों साथ में रन करें. रविन सर हमारे इंस्पिरेशन है. ही इज लाइक वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ इंडिया. ही हैज बीन द सोल्जर हु हैज डन हमारा दोस्तों. दुबई मैराथन को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिश किया बिना किसी इंजरी के और मैंने अपना पर्सनल बेस्ट दुबई मैराथन 2020 के अंदर 3:40 में मैराथन फिनिश करके अपना नया पीबी सेट किया है. मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें. इसी के साथ जय हिंद, जय भारत.